हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल प्लान्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको ये जो है 30x40 फीट में बना हुआ बेसमेंट वर्क हो चुका है ऑलरेडी, इसका जो वॉक थ्रू दिखाऊंगा। प्लान जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करिएगा। जस्ट सर्च करिए 30x40 साउथ फेस हाउस वॉक थ्रू विथ वास्तु, बस उतना ही। अब तक जो बेसमेंट तक जो खर्चा आ चुका है अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपीस, बिकॉज मटेरियल डंप करने में और पूरा जितना भी मिट्टी है वो सब डंप करने में जो है अब तक इतना खर्चा अप्रोक्सीमेट आ ही जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। एंड यहाँ पर जो कॉलम प्रपोज, कॉलम का साइज़ 9x15 इंच का लिया गया। कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर जो है ना 16 mm का 4 और 12 का 4 लिया गया, ठीक है। कौन सा ब्रांड सही रहेगा, बहुत सारे लोग हमें पूछे थे। तो इन माय ओपिनियन जो ज़्यादा एडवर्टाइज करता है वो हमारे नज़र में ब्रांड रहेगा, ठीक है। JSW, टाटा टिस्कॉन, उसके बाद नेक्स्ट गज केसरी, ओम श्री, राजूरी और जो ऐसे बहुत सारे हैं समझो। ये सेपरेट टैंक काफ़ी डीप एक्सकेवेशन किया गया था। सो अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ से घर के अंदर। मिट्टी जब भरना है आपको, ऐसा मुरुम की तरह मिट्टी रहे ना, तो अंदर अच्छे से जाएगा, ज़्यादा सेटल नहीं होता है इस तरह का मिट्टी आपको बैकफिलिंग करने से। ये जो है आपको कार पार्किंग के अंदर एंट्रेंस, फिर उसके बाद ये हो गया आपका सेपरेट टैंक, सर। जब आप सेपरेट टैंक बनाते हैं RCC का, तो इसका पार्टीशन भी RCC में डाल दीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, बिकॉज बाद में कैसे भी वो गिलावा वाले लेते ही है। तो अभी पार्टीशन लिया तो सबसे बेस्ट रहेगा, एंड आपका टाइम सेविंग हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग भी होता है और काम अच्छा बनता है मजबूती से, ठीक है। ये एंट्रेंस इनटू द हाउस, पार्किंग एरिया, फिर उसके बाद इधर आपका हॉल आ जाता है। ऑफसेट एरिया पीछे की तरफ, एंटर इनटू द हॉल। ये हॉल इस तरह से अपना, फिर देखिएगा इधर, यहाँ से एंटर करते हैं तो इधर जो है पूजा रूम आता है आपका, ओके। इधर बाथरूम पर्पोज इन्हों पार्टीशन नहीं लिए, सो लेना पड़ेगा इनको बाद में। कॉर्नर की तरफ बेडरूम आता है, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है ना दोस्तों, आप पूरा फिलअप नहीं करें चाहे तो फिर बाद में आपको पाइप भी लेकर जाने का रहता ना, तो इसके बीच में से आप लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे इनलेट नहीं है, आउटलेट नहीं है, इनलेट ऊपर रहा था, आउटलेट उससे भी नीचे रहना समझो, 6-4 इंच का तो डिफरेंस रहना। और सो लोग क्या करते हैं,
इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं, जस्ट वो वर्कर के भरोसे पे काम करे तो ऐसा होता है।